नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। अप्रैल महीने की शुरुआत बयानों की बारिश के साथ हुई है। बयानों की यह बारिश अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान होने वाली तपिश का इशारा कर रही है। बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बैठक में तमाम मुद्दों के साथ बिहार पर भी चर्चा हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने नीतीश और लालू पर निशाना साधकर जता दिया है उनके एजेंडे में लालू नीतीश की दोस्ती को भुनाना है। आज हम इस खबर के हर पहलू का डीएनए टेस्ट करेंगे। साथ ही बात होगी झारखंड की, जहां एक और घोटाला सामने आया है। इसके अलावा झारखंड के छात्रों की परेशानियों का भी हम डीएनए टेस्ट करेंगे। डीएनए की शुरुआत बिहार की सियासी सरगर्मी से। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव में अभी 7 से 8 महीने का समय है, लेकिन सियासी पार्टियों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन और रैलियों के माध्यम से पार्टी के एजेंडे को जनता के सामने ले जाने की कोशिश हो रही है। अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि बिहार में जंगल राज 2 शुरू हो चुका है। वहीं विरोधियों पर जुबानी गोले भी दागे जा रहे हैं। अब देखिए, बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस बैठक का मकसद केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों की सरकार के काम की समीक्षा, पार्टी और संगठन विस्तार पर चर्चा और आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां किस रणनीति के तहत उतरा जाए। पहले दिन बिहार को लेकर बेंगलुरु में जो बयान दिए गए उससे साफ है कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लालू और नीतीश की दोस्ती पर भी चुटकी ली। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बिहार चुनाव बीजेपी की प्राथमिकता में है। पीछे रही है, बैठक चल रही है, उसमें बिहार में जंगल राज ये बात कही गई है। जितना मीटिंग कर लें यहाँ कुछ हाथ नहीं आने वाला। बीजेपी के नेताओं ने बेंगलुरु में नीतीश और लालू के खिलाफ बयान दिया, जिस पर पलटवार करने में जेडीयू और आरजेडी नेताओं ने जरा भी देरी नहीं की। दोनों पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी पर कुछ इस तरह पलटवार किया। ये जो समाजवादी और सेकुलर और जनता दल परिवार मिलने जा रहे हैं, इनसे यह भयभीत हो चुके हैं। चूँकि पिछले दिनों ये हो चुका है, जब राजद, जदयू और कांग्रेस मिलकर के उपचुनाव में लड़े थे तो इनकी बोलती बंद हो गई थी, इनकी हालत ख़राब हो गई थी, इनका सफाया हो गया था। यही रिजल्ट आगे आने वाले दिनों में, जब लालू जी, नीतीश जी सूए बिहार में मिल जाएंगे, तो सन 2015 का जो चुनाव होने जा रहा है बीजेपी का आता पता नहीं रहेगा, इनका समूल सफाया हो जाएगा। भले अब इसको यहाँ के लोग जंगल राज कहें, आतंक राज कहें, उद्देश्य और उसका अर्थ एक ही है। मुझको लगता है ये राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के विलय के बाद जो भी नया दल बनेगा और वो जब चुनाव में जाएंगे तो पिछले 25 वर्षों का, 1990 से लेके आज तक के शासन का जनता हिसाब मांगेगी और इन लोगों को जनता के सामने हिसाब देना पड़ेगा। 15 वर्षों का शासन जिसके खिलाफ हम लोग जीत के आए थे, उन शासन से भी आज जो ये नया दल बनेगा अपने आप को अलग नहीं रख सकेंगे। आप एक तरह से वो जो आपकी लाइबिलिटी है, जो आप पीछे एक बोझा ढो के रहे आप आएंगे, उससे वो अलग नहीं हो सकते हैं। तो मेरा भी स्पष्ट मानना है कि आने वाले समय में बिहार वापस उस दौर में नहीं जाए, इसके लिए हम लोग सब लोग संकल्पित हैं और हम लोग पुनः बिहार को उस दौर में नहीं जाने देंगे। और हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि जब आप दो ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनका अस्तित्व एक दूसरे के खिलाफ लड़के ही बना था, अब आप साथ आ गए हैं तो जनता भी इन बातों को देख रही है, महसूस कर रही है। 4 माह बाद चुनाव है, जनता अपना जो उचित निर्णय है जनता उचित निर्णय देगी। बिहार में बीजेपी और जेडीयू लगभग 17 साल साथ रहे। लालू के कथित जंगल राज के खिलाफ दोनों ने काफी लंबे समय तक संघर्ष किया। 90 के दशक में शुरू हुआ संघर्ष 2005 में सफल हुआ, जब बिहार की जनता ने जेडीयू बीजेपी गठबंधन को बहुमत दिया। जेडीयू और बीजेपी लगभग 8 सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश कुमार ने 16 जून 2013 को बीजेपी से 17 साल पुरानी दोस्ती तोड़ दी। तब से बीजेपी और जेडीयू के बीच तलवारें खींची रहती हैं।
एक दूसरे के विरोध में बोलने का कोई भी पार्टी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। लोकसभा चुनाव 2014 में जेडीयू को मिली करारी हार के बाद नीतीश कुमार ने 20 साल बाद लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया। जब से नीतीश और लालू की दोस्ती हुई है तब से बीजेपी नीतीश पर ज्यादा हमलावर हो गई है। कभी वो जंगलराज 2 की वापसी की बात कह रही है तो कभी जेडीयू और आरजेडी के साथ आने को अपवित्र और अनैतिक गठबंधन करार दे रही है। जेडीयू पर इस तरह का हमला बोल बीजेपी जनता को ये बताना चाहती है कि अगर लालू और नीतीश साथ आ गए तो बिहार में अपराध बढ़ जाएगा, कानून का राज खत्म हो जाएगा, जनता को खुली हवा में सांस ले पाना मुश्किल हो जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी इस तरह का मैसेज क्यों देना चाह रही है। मतलब साफ है, बीजेपी बिहार की सत्ता में आना चाहती है लेकिन उसकी राह में कई दुश्वारियां हैं, जिसमें सबसे प्रमुख लालू और नीतीश के साथ आने से बिहार में बने नए सियासी समीकरण का काट खोजना, क्योंकि दोनों के संग आ जाने से ज्यादातर संभावना है कि पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों का वोट एक साथ जुड़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बिहार की सियासत में ये किसी भी गठबंधन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लालू यादव कई बार ये कह भी चुके हैं कि मंडलवादी ताकतों के एक हो जाने से कमंडलवादी ताकतों की हार तय है। लेकिन आइए अब नीतीश के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। अगर नीतीश बीजेपी पर पलटवार करते हुए ये कह रहे हैं कि बीजेपी को बिहार में कुछ हाथ नहीं आने वाला तो इसमें उनका कॉन्फिडेंस कम, विपक्षी का विरोध ज्यादा नजर आता है, क्योंकि समाजवादियों के विलय पर पिछले 6 महीने से चल रही बात अब तक फाइनल हो नहीं पाई है। हालांकि जेडीयू और आरजेडी बार बार कह रहे हैं कि विलय तय है, जल्द हो जाएगा, लेकिन तारीख कोई नहीं बता पा रहा है। जिस तरह तारीख, चिन्ह, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर असमंजस के हालात हैं, वो विलय और उसके भविष्य को लेकर शुभ नहीं है। हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में जिस तरह से बयानों से बारिश हो रही है वो संकेत है नवंबर की ठंड में सियासी तपिश कैसी होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के उस पार आपको झारखंड लिए चलेंगे। 14 सालों में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए झारखंड से, एक और घोटाला सामने आया है और हम जो रिपोर्ट दिखाएंगे वो सरकार की आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट होगी। छोटा सा ब्रेक। झारखंड में चारा घोटाला, कोल घोटाला, मेधा घोटाला, कचरा घोटाला, मुआवजा घोटाला, नमक घोटाला, इंदिरावास घोटाला, मनरेगा घोटाला, न जाने कितने घोटाले और इसके तरह के और कई घोटाले, जैसे गिनते गिनते हम आप थक जाएं। कहा जाए तो घोटाले यहां मौसम की तरह सिर्फ नाम बदलकर सामने आते हैं। अभी जमीन घोटाला का एक नया मामला सामने आया है, देख लीजिए। झारखंड में एक और घोटाला, अधिकारियों ने हड़पी जमीन, करोड़ों की जमीन को कौड़ियों में बांटा। झारखंड में घोटालों की फहरिस्त में एक और घोटाले का नाम जुड़ गया है। ये नया घोटाला है, जमीन घोटाला। आवास पर में सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है जो जिसका गलत आवंटन हुआ और जो आवंटन नहीं होनी चाहिए था, किसी एमडी ने एक बार उसको कह दिया जे ये गलत है, नहीं किए, कालांतर में पुनः उन्होंने उसको वही आवंटन स्वीकृत कर दिए, आवंटन आदेश निर्गत कर दिए। कि छिटफुट भूखंड कह करके बड़े बड़े हस्तियों को, जो अपने के हस्ती थे और छिटफुट भूखंड के श्रेणी में ही नहीं आता था, उसको छिटफुट भूखंड कह के दे दिया गया, जबकि 4500 स्क्वायर फीट का कोई भी भूखंड छिटफुट भूखंड नहीं होता। रांची के हरमू में आवास बोर्ड की जमीन को बोर्ड के पूर्व प्रबंधन निदेशकों, बोर्ड के बड़े अधिकारियों और झारखंड सरकार के कई आईएएस अधिकारियों ने मिलकर अपने नाम करा लिया। यही नहीं, अपने रिश्तेदारों और दूसरे लोगों को करोड़ों की जमीन कौड़ियों में दिलवा दी। आवास बोर्ड ने इस मामले में 35 लोगों से 15 दिनों में जवाब मांगा है। मैंने नोटिस दिया है, चूँकि प्राकृतिक न्याय के तहत उनका पक्ष बिना जाने हुए कोई भी निर्णय लेना न्याय उचित नहीं होगा, इसलिए उनका पक्ष जाने के लिए हमने नोटिस किए और 15 तारीख तक, 15 अप्रैल तक उनका मतलब जवाब का मैं इंतजार करूँगा। आवास बोर्ड में जमीन घोटाले का ये खेल वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अब जाकर इसका खुलासा हुआ है। झारखंड के नगर विकास मंत्री CP सिंह से
जब इस घोटाले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। ऐसे अधिकारियों के बारे में रिपोर्ट सरकार को जाएगी, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। आवास बोर्ड सक्षम नहीं है वैसे गलत करके। पहले तो गड़बड़ी कहाँ हुई, किस लेवल पर हुई, कितना हुई, उसको पूरा जब तक हम फाइंडिंग्स नहीं करें। अभी तो प्रथम दृष्टिया जो आ रही है बातें, उसी के आधार पर नोटिस जा रहा है किसी को, ये सारी चीज़ें जा रही हैं। लेकिन सारी गड़बड़ियाँ जब जांच में आ जाएंगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर ये सरकार के पास जाएगी, फिर सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मामले में बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी। मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। देश में लूटखंड के नाम से मशहूर हो चुके झारखंड के नाम जमीन घोटाला का एक और मामला जुड़ गया। अब इस घोटाले में शक की सुई आवास बोर्ड के पूर्व प्रबंध निदेशकों, बोर्ड के बड़े अधिकारियों, राज्य के कई आईएएस अधिकारियों की ओर जा रही है, जिन्होंने अपने पद और पहुंच का इस्तेमाल कर करोड़ों के प्लॉट को न सिर्फ अपने नाम कराया बल्कि अपनी पत्नी, बेटा, बेटी और दूसरे रिश्तेदारों को भी दिलाया। और यही नहीं, पूरे प्लॉट को कट प्लॉट बताकर अधिकारियों ने उसे कौड़ियों के भाव बेच दिया। बेचे गए प्लॉट की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। जमीन घोटाले के इस खेल में और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। बड़े अधिकारियों को खुश करने के लिए उनके परिजनों को गलत तरीके से प्लॉट और फ्लैट आवंटित किए गए। शुरुआती जांच में आवास बोर्ड के पूर्व एमडी अब्राहम रैना, जॉर्ज तिर्की, वीरेंद्र राम, अवधेश कुमार सिंह का नाम सामने आ रहा है। आवास बोर्ड के अधिकारी की माने तो पूर्व एमडी वीरेंद्र राम ने तो करोड़ों की जमीन को एमडी रहते हुए अपनी पत्नी के नाम पर ही कट प्लॉट के रूप में आवंटित कर दिया था। वीरेंद्र राम की तरह कई अधिकारियों ने ऐसा काम किया और जिस तरह से जमीन आवंटन के मामले सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि झारखंड में जमीन घोटाला का ये मामला वर्षों से चल रहा था। इस मामले में सरकार को कितने की चपत लगी इसका पता जांच के बाद ही चलेगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि घोटालों की जांच जल्द से जल्द कराए और दोषियों के नाम सार्वजनिक करे ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। डीएनए में समय हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो झारखंड के छात्रों की व्यथा का डीएनए टेस्ट करेंगे जो पॉकेट मनी तक में कटौती करने को मजबूर है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास कह रहे हैं वो जल्द स्थानीय नीति बनाएंगे ताकि ग्रुप 3 और 4 की नौकरियों में बाहरी को मौका ना मिले। लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं कि झारखंड के छात्रों का जितनी जरूरत स्थानीय नीति की है उससे कहीं ज्यादा बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बरते जाने की है। क्योंकि झारखंड में अब तक जितनी भी नियुक्ति परीक्षाएं हुई हैं उसमें से ज्यादातर पर विवाद हुआ है। अभ्यर्थियों को नौकरी लेने के लिए पढ़ाई के साथ साथ कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ रहा है और यही कारण है यहां के छात्र पॉकेट मनी आंदोलन कर रहे हैं, तो शायद भारत ही नहीं दुनिया में अपने तरह का एकलौता आंदोलन होगा। झारखंड में पॉकेट मनी आंदोलन, नौकरी के लिए ये कैसी मजबूरी, पढ़ाई के साथ साथ आंदोलन जरूरी, ये हकीकत है झारखंड के छात्रों की। रोजगार पाने के लिए यहाँ के छात्र जितना पैसा पढ़ाई पर खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के बाद धरना प्रदर्शन पर खर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ नियुक्ति परीक्षा का विवादों में पड़ना आम हो गया है। जितनी परीक्षाएं हुई उतने संघ का गठन हुआ, सभी संघ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। आइए एक नज़र डालते हैं विवादित परीक्षाओं के बाद नियोजन की लड़ाई के लिए बने संघ पर। टेट सफल अभ्यर्थी संघ, 8042 अभ्यर्थी आंदोलन पर। प्राथमिक शिक्षक परीक्षार्थी संघ, 20,000 अभ्यर्थी आंदोलन पर।
जन सेवक परीक्षार्थी संघ 40,000 अभ्यर्थी आंदोलन पर, नव उत्क्रमित हाई स्कूल परीक्षार्थी संघ 300 अभ्यर्थी आंदोलन पर, विधानसभा नियुक्ति अभ्यर्थी संघ 1,000 अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, दारोगा अभ्यर्थी संघ 800 अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, जेपीएससी सहकारिता विभाग और बाजार पर्यवेक्षक की परीक्षाएं भी विवादों में रही हैं। सबसे पहले बात है कि यहाँ जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें पहले सेटिंग गेटिंग हो जाता है, और सेटिंग गेटिंग हो जाने के बाद में मैं बता रहा हूँ, जेपीएससी की परीक्षा हुई, आप अच्छी तरह से पता था कि उसमें सीबीआई जांच हुई, और उसमें बहुत लोग, दिलीप प्रसाद अध्यक्ष जो थे वो 3 साल जेल में भी गए, जो गड़बड़ी नहीं थे जेल कैसे गए। दूसरी बात कि दरोगा का परीक्षा हुआ जिसमें कि वह 160 नंबर वाला वह फेल हो गया, 123 नंबर वाला पास हो गया। प्रतियोगिता परीक्षाओं के विवादों में पड़ने के कारण नियोजन के लिए शहरों में आने वाले अभ्यर्थी अपने पॉकेट खर्च का एक बड़ा हिस्सा उसकी लड़ाई में खर्च कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के विवाद में पड़ जाने के बाद कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने से लेकर धरना प्रदर्शन तक करना पड़ता है जिसमें काफी खर्चा आता है। हम लोग आंदोलन नहीं करना चाहते, हम नौकरी करने के लिए आए हैं, हमारे माता पिताजी जो है सो हमको पढ़ने के लिए पैसा देते हैं, किताब कॉपी करने के लिए पैसा देते हैं, आंदोलन करने के लिए पैसा नहीं देते हैं, हाई कोर्ट करने के लिए पैसा नहीं देते हैं। आप ही बताइए कि किसका गार्जियन होगा कि बेटा को पढ़ने का भी देगा और वह कॉपी किताब का देगा, और बेटा का नौकरी कर जाएंगे, हम पढ़ लिख करके अच्छे से पास कर जाएंगे, लेकिन वो नौकरी हमको हाईकोर्ट से लेना पड़ता है, यानी हाईकोर्ट भी का चक्कर लगाना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। एक धरना प्रदर्शन में बता रहा हूँ कि 10,000 से 15,000 रुपया तक का खर्च आता है। झारखंड में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में बरती गई अनियमितता के खिलाफ अब तक 50,000 से अधिक अभ्यर्थी सड़कों पर आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार या सरकार की एजेंसियां अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रही। हर प्रतियोगिता परीक्षा के विवाद में पड़ने से न सिर्फ अभ्यर्थियों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है बल्कि काफ़ी पैसा भी खर्च हो रहा है, क्योंकि महंगाई में पढ़ाई के साथ साथ घर का खर्च और उसके ऊपर से नियोजन की लड़ाई लड़ना सभी के बस की बात नहीं। फिर भी अभ्यर्थी अपने पॉकेट खर्च में से पैसा बचाकर अपनी नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। घर से ज़्यादा पैसा नहीं आता है, 4,000 रुपया आता है और हर महीना हम 500 रुपया यहाँ पे आंदोलन के लिए देते हैं। झारखंड की बदहाली की इससे बड़ी तस्वीर और क्या हो सकती है कि यहाँ के छात्र पढ़ाई के साथ साथ आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं। सरकार और उसकी एजेंसियों को इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि आगे ऐसी नौबत ना आए। संशारद, जी मीडिया, रांची। झारखंड में आंदोलनों का इतिहास काफी पुराना है। आजादी के पहले यहां पहाड़िया विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल होल, नीलांबर पीताम्बर विद्रोह, भुइयां विद्रोह, खरवार आंदोलन, तिलंगा खड़िया आंदोलन, बिरसा मुंडा का उलगुलान हुआ। आजादी के बाद अलग झारखंड राज्य के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन आज उसी झारखंड की युवा पीढ़ी आंदोलन के रास्ते पर है, क्योंकि उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नौकरी के लिए पढ़ाई के साथ साथ धरना प्रदर्शन और आंदोलन के दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये इस राज्य की युवा पीढ़ी के लिए दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ सिस्टम अब तक दुरुस्त नहीं हो पाया है। राज्य में परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में खामियाजा छात्र भोग रहे हैं। उन्हें अपने जीवन का कीमती समय और बेहतर भविष्य के काम आने वाला पैसा दोनों बर्बाद करना पड़ रहा है। एक धरना प्रदर्शन पर 10,000 के करीब खर्च आता है। इस खर्च को मैनेज करने के लिए छात्र आपस में चंदा करते हैं। अगर लड़ाई लंबी चलती है तो जेब ज्यादा ढीली होती है। खर्च तब और बढ़ जाता है जब कोई छात्र 2-3 या इससे अधिक परीक्षा में सफल होता है और वो परीक्षा विवादों में गिर जाती है। अंक गणित की भाषा में कहें तो जो छात्र पढ़ने में जितना अच्छा है उसका खर्च उतना ही ज्यादा है। आइए अब देखते हैं कैसे परीक्षा का विवाद छात्रों की जेब ढीली कर रहा है। मान लीजिए रांची में रहकर पढ़ने के लिए एक छात्र को घर से 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। इसमें घर का किराया और ट्यूशन फी में 3,000 खर्च हो जाता है। बचे 3,000 में से 1,500 खाने पर, अब बचे 1,500। इसमें किताब, कॉपी, कलम, मैगजीन में खर्च करना होता है। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म भरने पर भी कुछ खर्च होता है। बीमार पड़ गए तो इलाज के लिए कुछ बचा कर भी रखना होता है।
अगर कोई छात्र प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो जाता है और वो विवादों में घिर जाती है तो इसी खर्च में से उसे बचाकर कोर्ट कचहरी से लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलनों में सहयोग देना पड़ता है। अब जरा सोचिए झारखंड में प्रतिभा के साथ क्या हो रहा है। अब तक आप समझ गए होंगे यहां प्रतिभा के साथ मजाक नहीं तो और क्या हो रहा है। इस दिशा में गंभीरता से सोचने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में छात्रों को धरना प्रदर्शन और आंदोलनों का सहारा नहीं लेना पड़े। आप देख रहे थे पुरवैया डीएनए। नमस्कार।